वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष ज्ञान। मैं एस्ट्रोलॉजर टॉपर अजरा। आज का विषय है किसी इंसान के बारे में सोचे और देखिए वो आपके बारे में क्या सोचता है। ये इंसान कोई भी हो सकता है। हम लोग देखेंगे कि वो इंसान क्या चाहता है और आखिर उनके अंदर क्या फीलिंग्स है। आपके सामने 9 पाइल्स आएगा। इन पाइल में से कोई भी एक पाइल आप चुन सकते हैं। उस पाइल में ही आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है वो आपको लेके सोच रहे हैं कि आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं, खुद के फीलिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस लॉस से उन्हें क्या सीखने को मिला है इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और खुद के टैलेंट, स्किल्स, क्षमता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्या चेंज करके आगे और निखर के आएंगे इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। वो अपने दर्द को खुशी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने की ओर जा रहे हैं। शायद आप भी ऐसा ही फील करते हैं। जिसने भी पाइल नंबर 2 चुना है वो असंतोष, रुका हुआ, बोरिंग फील कर रहे हैं, अस्थिर, अधैर्य अनुभव कर रहे हैं, ये सिचुएशन में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और आपसे बिछड़े हुए हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं। उनके जिंदगी में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं और दूसरे ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पीकिंग एबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, इवेंट्स में जा रहे हैं, नई लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं वो अपने जिंदगी में और आगे बढ़ जाना चाहते हैं। शायद आप भी ऐसा ही फील करते हैं। जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है वो इस रिलेशन से दूर जाना चाहते हैं। फिलहाल वो अपने अंदर के फीलिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं और ज्यादा बाहरी लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। वो अपने स्किल्स, पैशन, क्षमता के ऊपर काम कर रहे हैं और आपसे आगे बढ़ रहे हैं। शायद आपका भी ऐसा ही सोच है उनको लेके, यही सोच रहे हैं। जिसने भी पाइल नंबर 4 चूज किया है वो खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपसे, किसी जीत, उत्सव, जन्मदिन, सफलता को लेके, अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हैं जो उन्हें ज्यादा पसंद है, आपसे मिलना चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उनके फीलिंग्स को वो शेयर कर सकते हैं, चाहे आप परिवार के सदस्य, दोस्त या फिर सहकर्मी क्यों ना हो, वो और डांस करना चाहते हैं। जिसने भी पाइल नंबर 5 चूज किया है भावनात्मक रूप से वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, चाहे वो आपका नया प्रेमी, संबंधी, परिवार का सदस्य, दोस्त या फिर बिजनेस पार्टनर क्यों ना हो, वो अभी नया मोड़ ढूंढ रहे हैं आपसे और अच्छे से जुड़ने के लिए यही सही वक्त है। जब भी आप उनसे मिलें लोगों के बीच में और देखिए क्या आपके बीच में समान तरीके से भावना, ऊर्जा बह रही है कि नहीं, आप क्या अनुभव कर रहे हैं उनका बिहेवियर को देख के और वो आपको कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यही सबसे अच्छा वक्त और सही मौका है। शायद आप भी यही चाहते हैं, वो ऐसा ही महसूस करते हैं। जिसने भी पाइल नंबर 6 चूज किया है वो सोचते हैं आपके बहुत सारे गोल हैं, काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसलिए आपको सावधानी से चुनना होगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाएगा और आपको ही चुनना होगा। वो अभी वक्त लेंगे सूझबूझ कर और जल्दबाजी नहीं करेंगे, दूसरों से प्रभावित नहीं होंगे जिस लोगों को एक्सपर्टाइज, ज्ञान, शिक्षा नहीं है, बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे और हताश भावनाओं से निर्णय नहीं लेंगे। जिसने भी पाइल नंबर 7 चूज किया है वो सोचते हैं आप पुरानी यादों को याद करते हैं, शायद आप वापस आएंगे उनके लाइफ में और वापस से पुरानी खुशी लौट के आएगा, पुरानी याद से आपको कोई मैसेज या फिर शिक्षा लेना चाहिए जिससे आपको वर्तमान स्थिति में भी लाभ मिले। प्रेम के क्षेत्रों में समर्थन, समर्पण, एकता और संतुलन की जरूरत है। पुराने दुखद यादों को भुला के नई शुरुआत कर सकते हैं। जिसने भी पाइल नंबर 8 चूज किया है उन्हें लगता है आप संतुष्ट, आनंद में हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, खुशी, सफलता, अच्छा स्वास्थ्य, पूर्णता अपने सपनों का और लक्ष्यों का उपलब्धि
आसानी से मिल रही है। जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा और आपके भविष्य में प्रेरणा और अच्छा खबर या फिर पॉजिटिव एनर्जी भी देगा। पुरानी यादों को ताजा करने की सही समय है जो आपके सोच में बंधे हुए हैं। दूसरों को और खुद को क्षमा करके आपके इच्छा और लक्ष्य की ओर चलें आपके खुद के लिए। जिसने भी पाइल नंबर 9 चूज किया है उनका मानना है आप खुशी दे, नया प्रेम का उम्मीद दे, जुनून और समर्पण से रोमांटिसिज्म से जिया जाए। आपके दिल के बातों को बयां करें और बीते हुए कल का समाधान हो जाए और क्षमा करके और दोनों का प्रेम को आगे बढ़ाया जाए जिससे नई उम्मीद की किरण और रास्ता खुल जाएगा। আজকের মতো অনুষ্ঠান পর্বের এখানেই সমাপ্তি। আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।